ओपीएस को लेकर गरमाई राजनीति, पंजाब के बाद हरियाणा में उठी मांग, इस आईएएस अफसर ने उठाई मांग। ओल्ड पेंशन योजना यानी ओपीएस, ये मौजूदा वक्त में देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में तो ओपीएस पर चर्चा हो ही रही है, वहीं अब बाकी राज्यों में भी इसको लागू करने की मांग उठने लगी है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी ओपीएस को लागू करने की मांग उठी है। हरियाणा के चर्चित आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने पुरानी पेंशन योजना की मांग उठाकर मनोहर लाल खट्टर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। खेमका ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि जीवन की संध्या में कर्मचारियों को बाजार के सहारे छोड़ना क्या नैतिक है। पेंशन फंड को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कर्मचारी को रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक पेंशन मिले। गौरतलब है कि इन दिनों देश में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आया है। कांग्रेस ओपीएस के सहारे कई राज्यों में सत्ता पाने में भी कामयाब रही, जिसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जैसे ही घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र किया, प्रदेश में रुझान बीजेपी से शिफ्ट होकर कांग्रेस की ओर झुका और अंत में प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो इसे लागू किया जा चुका है और अब देश के बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग उठ रही है। पहले पंजाब की आप सरकार ने इसे लागू करने की मांग उठाई और अब हरियाणा के चर्चित आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने। कांग्रेस ओपीएस को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो सीधे ही ओपीएस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा था। सुनिए। मैंने उनके बयान को देखा, केंद्रीय वित्त मंत्री उनका जवाब दे नहीं पाए। वो जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था हम ओपीएस के खिलाफ हैं, तो मालूम पड़ता है कि आपकी मंशा क्या है। आप इस प्रकार गोलमोल जवाब दे रहे हो, ये उचित नहीं है। ये सवाल कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। ये हम कोई उन पर दया नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर शिकोर फील नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। मुझे बहुत दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर के वो इस प्रकार के जवाब दे रही है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो क्या उन्होंने जवाब दिया, समर के परे हैं। उनको मालूम है कि ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर चुका है इसका। सीएन एजी ने कहा अभी तक कोई नियम कायदे बने नहीं है, काय का ओपीएस लेके आ गए या एनपीएस लेके आ गए, और जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं। हाईकोर्ट जजों के ऊपर तो ओपीएस रहेगा, आर्मी में ओपीएस और बीएसएफ में, इंडो तिब्बतन पुलिस में, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस है। कहां की समझदारी है भारत सरकार की है? जब समझ में आ गई कि ये एनपीएस लोग स्वीकार नहीं है, इसका नुकसान है, तब तो गलती सुधारनी चाहिए। जब वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में ये लागू हुआ था, उसके बाद सब सरकार हमने भी सबने उसको स्वीकार किया, पर जो अनुभव बताता है कि इसमें किस प्रकार से शेयर मार्केट के आधार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते उसके ऊपर, कर्मचारियों को उनके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तब सुधार करने में क्या दिक्कत है? हमने पहल करी तो 4-5 राज्य तो आगे आ गए हैं। अभी मैं देख रहा था हरियाणा के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री कमेटी बना रहे हैं और कह रहे हो सकता है जल्दी लागू कर दें। ये इनके हालात है इनके। हिमाचल से भी सबक नहीं लिया इन्होंने अभी तक। मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर से ओपी लागू करना चाहिए। लाखों कर्मचारियों को, रिटायर कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है सुख और दुख के अंदर, मेरा मानना है। ओपीएस को लेकर जहां बीजेपी बैकफुट पर है, वहीं कांग्रेस पार्टी इसे चुनावी संजीवनी के तौर पर देख रही है। लिहाजा पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर है और अब लोकसभा चुनाव से पहले अशोक खेमका की ओर से आवाज बुलंद करना सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।